तो देखो यार दोस्तों, कुछ हिसाब से आपको iOS 17 की थीम देखने को मिल जाती है, जो कि शाओमी पोको रेडमी के डिवाइसेस में वर्क करेगी। ये वाली थीम आपको कुछ हिसाब से इसमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लॉक कैलेंडर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे वेदर रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। आपका टूल्स का फोल्डर हो गया या फिर गूगल का फोल्डर हो गया, वो सारे के सारे कुछ हिसाब से आपको देखने को मिल जाते हैं। पूरा का पूरा iOS बेस्ड ये थीम आपको देखने को मिलता है। वॉलपेपर भी आप देख सकते हैं और आइकन पैक भी आप देख सकते हैं। कुछ हिसाब से आपको देखने को मिल जाते हैं इस वाली थीम के अंदर, जो कि दिखने में बहुत ही प्रीमियम लुक देती है आपके डिवाइस को। और साथ ही साथ इसमें दो तीन चीज़ें गायब हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप कंट्रोल सेंटर में आपको ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाता है इसके अंदर, बट इसमें आप कलर चेंज नहीं होते हैं कंट्रोल सेंटर के अंदर। ठीक है, आपको ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि MIUI 14 में कुछ कुछ डिवाइसेस में नहीं दिया गया है। और आप देख सकते हैं सेटिंग्स में कुछ आपको इस हिसाब से देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको पूरा बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाता है। इसकी सबसे खास बात करें तो आपको इसके अंदर पूरा का पूरा iOS 17 पे बेस्ड देखने को मिल जाता है। अगर अपन लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन कुछ हिसाब से आपको देखने को मिलती है, जो कि दिखने में बहुत ही ऑसम और पूरा आईफोन जैसा लुक आपको दे देता है ये वाली थीम। आप देख सकते हैं नीचे कॉलिंग 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 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और कैमरा मिल जाता है, मैसेज और व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ट्विटर, प्ले स्टोर दिख जाता है, गूगल दिख जाता है आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको काउंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, आप कितने स्टेप्स चले वगैरह वगैरह। ठीक है, मंथ कौन सा चल रहा है वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ऊपर की ओर आपको यूट्यूब, क्लॉक, कैलेंडर और वेदर का रिपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इस तरफ ये वाले सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाता है बैटरी परसेंटेज शो होना दिखाई दे जाता है। और सबसे ऊपर की बात करें तो ऊपर आपको यहाँ पर अलार्म, क्लॉक, इंस्टा, फेसबुक और सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप विजेट्स भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हो नहीं रहा है, मैं कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइमिंग और कैलेंडर का भी ऑप्शन मिल जाता है, और डे भी दिखाता है और टेम्परेचर भी दिखाता है। आपके बाहर का टेम्परेचर भी 29 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, आप देख सकते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, वैसा कुछ इसमें दिखाई देता है। ऊपर की तरफ बैटरी इंडिकेटर भी आपको चेंज देखने को मिल जाता है, और नेटवर्क इंडिकेटर्स भी आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं। इस थीम के नाम की बात करें तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीम OS विडजेट करके ये थीम है, जो कि iOS 17 पे बेस्ड है। तो जल्दी से जाइए, इसको डाउनलोड करिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, सेम वैसे ही स्पेलिंग लिखना है इसके अंदर, तो ही आपके फ़ोन में ये जल्दी से आपको मिल पाएगा थीम स्टोर पे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हैव अ नाइस डे।